एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो स्टार्ट करेंगे 3 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द टूरिज्म मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर आर्किटेक्चरल LED इल्यूमिनेशन। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं कौन। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। ओके, उन्होंने पहला आर्किटेक्चरल LED इल्यूमिनेशन लॉन्च किया है एट कुतुब मीनार न्यू दिल्ली। एंड इस इल्यूमिनेशन के साथ जो इसकी ये क्योंकि 12th सेंचुरी के अंदर बना था कुतुब मीनार, इसकी जो ब्यूटी होगी आफ्टर सनसेट वो बहुत अच्छी दिखेगी। एंड ऑल्सो कुतुब मीनार एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट इन दिल्ली। नेम द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड G7 शेरपा टू फ्रेंच प्रेजिडेंट एमानुएल मैक्रोन हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली। आप सभी को पता होगा कि G7 समिट अभी फ्रांस के अंदर चल रहा है एंड लेट मी रिमाइंड यू, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 समिट, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया था तो इसलिए वो वहाँ पर गए। एंड द क्वेश्चन इज़ कि जो वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं एंड G7 शेरपा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नेम क्या है। सो उनका नेम है एमानुएल बोने। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो एमानुएल बोने एक डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है एंड G7 शेरपा है किसके लिए, फ्रेंच प्रेजिडेंट एमानुएल मैक्रोन के लिए जो कि न्यू दिल्ली में आने वाले हैं रिसेंटली ही। द इंडियन एयर फोर्स हैज़ इंडक्टेड 8 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स एट विच एयर फोर्स स्टेशन। सो इंडियन एयर फोर्स ने 8 अपाचे 64E अटैक हेलीकॉप्टर्स पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन में इंडक्ट किए हैं ताकि जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकें। एंड जो AH-64E अपाचे होते हैं दे आर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। डॉक्टर तमिल साई साउंदरजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इन तेलंगाना एंड तमिल साई साउदरराजन, आई थिंक इट विल बी प्रोनाउंस लाइक दिस, साउदरराजन। ओके, उन्हें अपॉइंट किया है एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें अपॉइंट किया है। वहीं जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो अपॉइंट किए गए हैं महाराष्ट्र के। आरिफ मोहम्मद खान, उनको अपॉइंट किया गया है केरला का इन प्लेस ऑफ सथाशिवम। द न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ABMGRSBY लॉन्च्ड इन विच स्टेट। सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट राजस्थान। राजस्थान की राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम रखा है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर भामाशाह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट एंड आयुष्मान भारत, जो कि आप सभी को पता होगा PMGAY, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्कीम को मिला दिया गया है। एंड आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम लॉन्च की है जिसमें 1.1 करोड़ फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा इस हेल्थ स्कीम के अंदर। Who among the following to be honored with Gopal Goalkeeper Award, Global Goalkeeper Award? सो ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से सम्मानित किया गया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को देकर। एंड ही विल बी फेलिसिटेटेड बाय द बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर हिज लीडरशिप एंड कमिटमेंट फॉर व्हाट, फॉर द स्वच्छ भारत अभियान। ये जो अवार्ड है इसका एक स्पेशल रिकॉग्निशन है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने ग्लोबल गोल्स के लिए काम किया है एंड दैट्स वाई ये अवार्ड दिया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिटरमाइंड टू मेक अ स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार एक स्पेशल टाइगर फोर्स सेटअप करेगी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एंड बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ लाइक अ बिग कैट एंड यहाँ पर 85 पोस्ट भी डिसाइड की जाएंगी। सो दिस इज द आंसर। Who inaugurated the 72nd mission of the WHO Regional Committee
फॉर साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो द करेक्ट आंसर इज हमारे जो हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने 72nd सेशन WHO का मींस हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में. एंड दिस कमिटी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ WHO इन द रीजन. ओके, सो WHO की जो रीजनल कमेटी है हर्षवर्धन ने उसको क्या क्या है इनॉग्रेट किया है. This country will soon launch a special police unit to patrol ISILs in East China Sea. So the correct answer is Japan. Japan एक special police unit launch करने जा रहा है and इनके पास सब मशीन गन्स होंगी, हेलीकॉप्टर्स होंगे, ताकि जो ईस्ट चाइना सी के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूटेड काम हुआ तो ये उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे. एंड द इनहैबिटेड आइलेट्स आर एट द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज बिटवीन जापान एंड चाइना there is a conflict on this, so that's why it has been done. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Garve Gujarat Bhavan in. So Garve Gujarat Bhavan inaugurate kiya gaya hai New Delhi ke andar. Ye jo bhavan hai ye equipped hoga with the traditional and modern artifacts and technologies, and ye jo Gujaratis hai unke liye ek tarike se home hoga. So it will represent the culture, craft and cuisine of Gujarat, that is Garve Gujarat Bhavan, which has been inaugurated in New Delhi. Khadi and Village Industries Commission has launched a terracotta grinder in which city? So terracotta grinder kis city ke andar launch kiya gaya hai? It has been launched in the city Varanasi. Varanasi ke Sevapuri jagah ke andar Khadi and Village Industries Commission ne terracotta grinder ko launch kiya hai. Ye machine grind karegi jo bhi aap dekhte honge jo toote hue pottery items hote hain taki unko dobara se reuse kiya जा सके. एंड इट विल मेक कि भाई उनका जो भी मीन्स काम हो वो फास्टर हो सके. एंड इट विल ऑल्सो लेसन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्लीज. हु इज द न्यू मर्चेंट, what is the new merchant discount rate for transactions above rupees 2000 in bhim upi transactions? So new merchant discount rate kya hoga agar aap bhim upi app hota hai, agar aap uske through transactions karte hain 2000 se upar ki to kya rate hoga? So that rate will be 0.65%. and npci, that is national payments corporation of india, ne badha di hai and for the transaction. So this is the amount. Who wrote the book India's Lost Frontier, the story of the northwest frontier province of Pakistan? So it has been written by Raghavendra Singh. ये जो book है India Lost Frontier, जाकि किस तरीके से जो northwest frontier जो पाकिस्तान को मिल गया था, and ये civil servant है राघवेंद्र सिंह जिन्होंने ये बुक लिखी. ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के. ये बुक बताती है कि कैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की कंडीशन कैसे थी एंड कांग्रेस की लीडरशिप 1947 में किस तरीके से, बिकॉज महात्मा गांधी जी तो इसके सपोर्ट में नहीं थे लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से किस तरीके से ये काम किया गया था. The 14th conference of parties was inaugurated at, so it was inaugurated at Noida, Delhi ke paas in Noida mein ye 14th COP14 hua, that is for UNCCD, that is your UN convention to combat desertification, marusthalikaran ko rokne ke liye, and ye 12 day ka event hai. Let me show you, this is a 12 day event jo ki 2 September se 13 September tak chalega. Inaugurate kiya Prakash Javedkar ji ne, जो कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं. एंड साथ ही साथ में मिस्टर इब्राहिम थियाऊ ने, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन के. इंडिया जो 14th COP है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है. सो टिल 2021 तक, नेक्स्ट टू ईयर्स तक इट हैज़ टेकन ओवर फ्रॉम चाइना. एंड ऑल्सो जो एनवायरन मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्हें नेक्स्ट जो COP प्रेजिडेंट भी बना दिया है गया है अगले 2 साल के लिए. Prime Minister will be honored by Bill and Melinda Gates Foundation in which of the following initiatives? अभी मैंने आपको बताया स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो
अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा इन US. विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन क्रॉप लोन? सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा. हरियाणा की सरकार ने डिक्लेयर किया है दैट इज 4750 करोड़ का वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन क्रॉप लोन्स बाय द फार्मर्स. एंड दीज आर द फार्मर्स विच हैव टेकन लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड मॉर्गेज बैंक. सो दिस ऑल ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम होगी जिससे 10 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होने की उम्मीद है. एंड जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये पैकेज दिया है फार्मर्स को 5000 करोड़ रुपए का. ओके, सो अ बिग रिलैक्सेशन टू द फार्मर्स ऑफ हरियाणा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान. सो राजस्थान के नए गवर्नर बन गए हैं कलराज मिश्रा जी. इंडिया हैज़ प्रपोज टू अंडरटेक डीप ओशियन माइनिंग. येस, किस डीप ओशियन माइनिंग के अंडर? दैट इज़ योर समुद्रयान. चंद्रयान के बाद इंडिया प्लान कर रहा है कि वो डीप सी में जाएगा समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत. एंड वहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आप पॉलीमेटल बोलते हैं वो लेके आएगा, ताकि वहाँ से उसे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी वो अगले 100 सालों तक कम्प्लीट की जा सकती है. एंड ये 2021 से 2022 तक कम्प्लीट होने की उम्मीद है. जेसी सत्येंद्र एंड बोस फेलोशिप किसने मींस जीती है फॉर हिज द आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड मेडिकल जेनेटिक्स इन 2019? सो द करेक्ट आंसर इज के थंगाराज. के थंगाराज जो कि चीफ साइंटिस्ट है एट द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड बायोलॉजी इन हैदराबाद, उन्हें जेसी सत्येंद्र एंड बोस फेलोशिप अवार्ड दिया गया है फॉर हिज ट्रमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशंस. CBDT दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने एक स्टार्टअप सेल शुरू किया है फॉर स्टार्टअप्स. इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? सो इसमें होंगे 5 मेंबर्स. ओके देन, सो थैंक यू सो मच. टुडेज करंट अफेयर्स आर डन. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप कंटिन्यू टू वॉच दीज क्वेश्चंस, बिकॉज दीज विल हेल्प यू इन क्रैकिंग मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो माइट बी दिस सेम्स बोरिंग, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो थैंक यू सो मच.